यहाँ से भागवत जी का आरंभ होता है और आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि कथा जब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं लाएगी, जब तक आप उसको ध्यान से नहीं सुनोगे, तो ध्यान को श्री हरि चरणों में लगा करके तो आइए दो घड़ी कीर्तन करके उसके बाद में भाव के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे पवित्र करते हुए गाइएगा आपके साथ हरे कृष्णा हरे श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की विद्या के लिए जो परम एकांत स्थल है और नाम है नैमिषारण्य, श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की आयु बहुत कम है लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है। आयु वृद्ध बेशक है लेकिन ज्ञान वृद्ध नहीं है। सौनकादिक ऋषियों के समक्ष बैठे हैं सूत जी महाराज, और जब भी भागवत जी के अंदर गोता लगाया जाए तो सर्व प्रथम श्री गुरु जी महाराज को वंदन किया जाता है कि क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मार्गदर्शक है जो शिष्य को भगवान से मिलाता है। आप भगवान को ढूंढोगे आपको शायद जन्म जन्मांतर तक ईश्वर ना मिले, लेकिन गुरु जिस डगर पे शिष्य को हाथ पकड़ के चला दे, गुरु कृपा से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि कहा संतों ने कहा भैया गुरु का स्थान संतों ने वो बताया कि गुरु गोविंद दो खड़े और और बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बता, इसीलिए कि सुख का साथी सब जगत पर तो
दुख का नाही को और दुख का साथी साया केवल सदगुरु हो। सुख का साथी आपको सारा जगत मिल जाएगा, लेकिन अपना कौन है, पराया कौन है, जो दुख की घड़ी में, कष्ट के समय में भी आपके साथ साये की तरह रहे, उसको गुरु कहा जाता है। गुरु हो या ठाकुर जी हो, सबको निष्काम भक्ति चाहिए। संत समाज कहती है कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ। 88,000 ऋषि इकट्ठा हुए। जब संत इकट्ठा होते हैं तो ज्ञान की बातें होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, संत समागम होता है, सत्संग होता है। उन 88,000 ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, ऋषि मुनि खड़े हो गए, सभी ने श्री सूत जी महाराज का वंदन किया है। और श्री सूत जी महाराज को एक उच्च स्थान पर बैठाया है और उनके समक्ष 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सौनक जी ने चरण वंदना की और कहा, महाराज अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर संप्रभा ख्याय कथा सारं मम करण रसायनम। सूत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो ज्ञान की बातें हैं, आपका ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार को दूर नष्ट कर सकता है। और आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। इसीलिए आपसे बस एक विनम्र निवेदन है कि कोई ऐसा मार्ग बता दो जिससे भगवान की प्राप्ति हो सके। हमने सुना है कि इस घोर कली काल के अंदर लोगों की प्रवृत्ति बिगड़ जाएगी, लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी, भाई भाई में प्यार नहीं रहेगा, माँ बेटे में प्यार नहीं रहेगा, बहन भाई में प्यार नहीं रहेगा। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों की बुद्धि सुधर सके, इस कलयुग में रहने वाले लोगों की दशा ठीक हो सके। आज जैसे ही सूत जी महाराज ने सोनक जी के माध्यम से सुना, सोनक जी महाराज कहते हैं, महाराज सुनो, कलयुग में कैसे लोग होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, काहू की जो सुनहि बड़ाइयो श्वास ले जनु जोड़ी जब किसी की बड़ाई सुनेंगे और सुनेंगे कि ये दिन प्रतिदिन हमसे संपत्ति में आगे निकलते जा रहे हैं, तो इतना दुखी होंगे महाराज कि समस्त जग के दुख इन्हीं के पास है। जब ऐसे लोग कलयुग में होंगे तो कैसे उनकी सदगति होगी और कैसे लोग होंगे। हो जब किसी पर देखेंगे कि
हमारा पड़ोसी है, ये बहुत दुखी है, तो इतना खुश होते हैं मानो किसी एक राज्य के राजा बन गए। जब ऐसे लोग कलयुग में होंगे उनकी कैसे नैया पार होगी, और कैसे लोग होंगे मालूम है? झूठा ही लेना, झूठा ही भोजन, झूठ चबे जिनका काम जगत के अंदर एक ही होगा, झूठ ही लेना और झूठ ही, जो 24 घंटे झूठ ही झूठ बोलेंगे, और जब तक दिन में दो चार बार झूठ नहीं बोलेंगे तो उनको भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। जो मां नहीं मात पिता नहीं देवा, जो माता पिता को कोई स्थान नहीं देंगे और साधुओं के समान स्वयं की सेवा करवाएंगे, जब ऐसे लोग जगत में उत्पन्न होंगे तो कुछ तो होना चाहिए महाराज, ताकि उनको ठीक किया जा सके। श्री सूत जी महाराज ने जब ऋषियों के ये प्रश्न सुने तो बड़े प्रसन्न हुए और कहा, हे ऋषियों, आपने कलयुग के जीवों के उत्थान के लिए, उनकी सदगति के लिए जो प्रश्न पूछे हैं, मैं इन प्रश्नों से बड़ा प्रसन्न हूं, और इस घोर कली काल के अंदर जो पापों का नाश करने वाली होगी वो मात्र श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। इसी के श्रवण मात्र कलयुग में इस मानव का उद्धार होगा। जो इसका श्रवण करेगा, जो इसके नाम को गाएगा, उसके समस्त पाप क्षीण होंगे। यही मात्र कलयुग में एक साधन होगा जो जीव भव सागर से पार उतर सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ कथा में सुन के जाए कि कथा सुन लो और जीवन में चाहे कुछ भी कार्य करो नैया तो पार हो ही जाएगी, और 24 घंटे पर झूठ ही झूठ झूठ ही झूठ बोल रहा। आप जो भी सुन रहे हो उसको जीवन में उतारना जरूर, ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से, यानी जब आरती हो तब खड़े हो बोले महाराज आपका जो भी सुना वो यही देखे जा रहे हैं। जब तक जीवन में नहीं उतारोगे कितनी भी कथा सुन लेना कोई फायदा नहीं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं, हे ऋषियों, जब सतयुग था तो लोग भव से पार कैसे उतरते थे, कौन सा साधन होता था? त्रेता युग में कौन सा साधन हुआ? द्वापर में कौन सा साधन हुआ? और कलयुग चला हुआ है तो कलयुग में कौन सा साधन इस जीव को भव सागर से पार उतारेगा? सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में एकमात्र साधन था भव सागर से पार उतरने का, कि सतयुग सब जोगी विज्ञानी हो, कर हरि ध्यान तरहि भव प्राणी,
सतयुग के अंदर मात्र एक साधन था कि जीव ज्ञानी होते थे, ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते और भव सागर से पार हो जाते। त्रेता युग आया, त्रेता युग में कौन सा साधन था? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं त्रेता विविध यज्ञ नर कराही हो प्रभु ही समर्पित करम भाव जब यज्ञ होते तो जीव अपने समस्त कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते और भव सागर से पार हो जाते। द्वापर आया, द्वापर में एक साधन था द्वापर करी रघु, द्वापर करी रघु पति पद पूजा हो नर भव करहि उपाय दूजा। श्री हरि के चरणों में वंदन करते और भव सागर से पार हो जाते। अब चला हुआ है कौन सा युग? कलयुग। और कलयुग में अगर सीधे शब्दों में कहूं तो कलयुग में जो अपनी कला दिखाए वो कला का युग है। कलयुग में कौन सा उपाय बताया? रामचरितमानस कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण गा गावत नर पावहि भव कलयुग में कुछ नहीं करना। कलयुग में
कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक नाम आधार मात्र जीव भव सागर से पार हो जाएगा। सोते उठते बैठते जगते क्या करना है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे राम राम राम, बस ये जीवन में अपना लो। कोई भी कार्य कर रही है, माताएं घर में भोजन बना रही है, क्योंकि जाने अनजाने हमसे कई ऐसे पाप होते हैं, उन पापों से अगर बचना है तो हरे कृष्ण गाइए। और हर क्योंकि संतों ने गाया है, हरे कृष्ण कलयुग के अंदर एक टेलीफोन का काम करता है। भगवान से अगर मिलना है, भगवान से अगर बातें करनी है, तो भगवान का फोन नंबर है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब ये नहीं पता कि नंबर आज लगेगा, कल लगेगा, परसों लगेगा, साल दो साल दस साल या कितने वर्ष लग जाए, ये आपके ऊपर। नंबर हमने दे दिया, अब लगाना ना लगाना आपके ऊपर। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। नाम मात्र जीव कलियुग से, इस कलियुग की इस नैया से पार हो जाएगा। तो ये सात दिन है, सात दिन है, अगले छह दिन है। छह दिन में आप सभी ने एक श्रोता की तरह, क्योंकि भागवत कथा श्रवण जब भी श्रोता करने आते हैं श्रवण करने के लिए, तो संत कहते हैं बोले तीन चार प्रकार के श्रोता आते हैं। एक सबसे पहले जो होते हैं श्रोता, श्रोता मतलब जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, वो पांडाल में एंटर करेंगे और अपनी एक जगह ढूंढेंगे और जो भी कथा चल रही होगी उसको ध्यान से सुनेंगे। और दूसरे नंबर के श्रोता जो कथा में आते हैं, ठीक है भैया चल रहे हैं, दो तीन घंटे सुन लेंगे भजन और वो अपना ध्यान कहीं और ही फोकस करते हैं। वो देखेंगे भैया एक दो चुटकला सुनाया जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा और फिर प्रसाद भी मिलेगा। ये हुए सरोता। और तीसरे जो कथा में ये सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं और उनका नाम होता है सोता। जो कथा में जब भी भजन होता है कोई, बस उनकी आंखें बंद हो जाती है, क्योंकि संत कहते हैं, रसिक कहते हैं कि नींद की गोलियां लेने से भी इतनी अच्छी नींद नहीं आती जितना कथा में बैठने के बाद। और कुछ माताएं तो हमारे सामने ही बैठी हैं, तो उदाहरण देने की तो जरूरत ही नहीं है। बोलिएगा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो इसीलिए क्योंकि निंद्रा देवी कथा में सबसे ज्यादा भक्तों को परेशान करती है, ये नहीं चाहती कि ये कथा सुन सके। इसीलिए जब भी आप कथा में बैठते हो तो आपको जवाई आने लगेगी और निंद्रा देवी आपको ना सताए, इसीलिए आपको बार बार कीर्तन करवाया जाता है, बोला जाता है भैया ताली बजाओ। तो इसीलिए आपको ना तो श्रोता ना तो सरोता बनना है और ना ही सोता बनना है, आपको बनना है श्रोता। जो भी कथा चले उसको अपने ध्यान पूर्वक श्रवण करना है, ध्यान केंद्रित करके। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, हे ऋषियों, कि कथा श्रवण करने का अधिकारी कौन है, किसको अधिकार मिला हुआ है कि वो कथा श्रवण कर सके। इसीलिए चिंता को छोड़ो और चिंतन हरि का करो। श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को कहा कि एक बार जब देवताओं को पता चला कि श्री परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी अमृत रूपी इस भागवत जी का श्रवण करा रहे हैं, तो देवता अपना कलश लेकर के आते हैं, अमृत कलश, और श्री सुखदेव जी महाराज को कहते हैं, बोले महाराज इसकी अदला बदली कर दो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे भैया किए वम विनिमय जाते सुधा
प्रपीयता प्रपाश्याम वयं सर्वे श्रीमद् भागवता व्रतम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अगर अदला बदली हो गई तो परीक्षित जी को हम अमृत पान तो करा देंगे लेकिन आप ये अमृत पान नहीं कर पाओगे। श्री सुखदेव जी महाराज देवताओं को कहते हैं भैया ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, ये साक्षात बिहारी जी श्री ठाकुर जी महाराज है। इसीलिए आप ये तो भूल ही जाओ कि हम अमृत कलश रख लेंगे और बदले में आपको भागवत जी देंगे। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं भैया जब इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया तो देवता गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को जाकर के शिकायत कर दी। ब्रह्मा जी ने एक तराजू ली और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया और एक पलड़े में ब्रह्मा जी ने अमृत कलश को रखा क्योंकि भागवत जी कोई पोथी तो है नहीं, साक्षात बिहारी जी हैं और जहां बिहारी जी हो जहां भागवत जी हो वो पलड़ा हमेशा भारी होना है। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बताया भैया तुलना करना बहुत गलत बात है। श्री नारद जी ने यही भागवत जी ब्रह्मा जी के मुखारविंद से श्रवण की लेकिन सप्ताह श्रवण करने की विधि नारद जी ने सनत कुमारों से ली है। ये सारी कथा श्री सूत जी महाराज ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज जब ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं तो एक नियम और बताया कि जब भी कथा श्रवण करें तो कथा का स्थान कैसा होना चाहिए, भागवत जी का गान कैसा होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक इसको श्रवण करना चाहिए और कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करनी चाहिए और कथा ऐसी श्रवण करें ताकि आपकी डोरी ईश्वर से जुड़े। इस तरह श्री सूत जी महाराज ऋषियों को सप्ताह विधि कैसे श्रवण करते हैं, सप्ताह को भागवत को ये विधि बताते हैं। सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा हे ऋषियों एकदा ही विला चत्वार ऋषियों मला सतसंगात समायात द्रदशो तत्र नारद। एक रोज एक विशालापुरी नामक नगरी थी। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि विशालापुरी नामक ऋषि में इस नगरी में चार ऋषियों का आगमन हुआ। वहां नारद जी ने देखा कि चार ऋषि आए हैं। नारद जी बड़े उदास बैठे हुए हैं। नारद जी ज्यादातर उदास नहीं रहते, वो हमेशा हरि कीर्तन करते रहते हैं। आपने भी देखा होगा नारद जी के हाथ में हमेशा वीणा होती है। आज नारद जी ने देखा तो चारों ऋषियों को प्रणाम किया है और ये चारों ऋषि कोई और नहीं थे, चारों थे सनत कुमार। आज सभी को हंसाने वाले नारद जी परेशान बैठे हैं तो चारों ने प्रश्न किया नारद जी क्यों परेशान हो। नारद जी बोले महाराज क्या बताएं कि मैं सब जगह भ्रमण करके आया। कहां कहां भ्रमण किया नारद जी कहते हैं सुनिए। अहम तो पृथ्वी मयातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं च हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंग से तु वंदनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तः।
हे मुनिवर, सर्वोत्तम लोक जानकर यानी पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक मानकर मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया। यहां से गया, पुष्कर गया, प्रयाग में गया, काशी गया, गोदावरी गया, जितने भी तीर्थ थे सब मैं भ्रमण गया, परंतु मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। मैंने देखा कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं ना कोई सत्य बोलता है। ऐसी मति हो गई सबकी, ऐसी बुद्धि हो गई, एक धर्म का कार्य कर दे तो 100 बार लोग गाएं कि ये धर्म का कार्य मैंने किया है। कोई काम अगर बिगड़ जाए, अगर धर्म का कार्य बनता है तो मैंने किया, और अगर बिगड़ जाता है तो प्रभु की कृपा थी तो ऐसा ही होना था। लोगों की ऐसी मति हो गई। आज हर किसी की बुद्धि को कलयुग ने अपने वश में कर रखा है। हे महाराज, अधर्म का जो मित्र है यानी कली, उसने सबकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। यमुना जी के तट पर बैठ गया तो यमुना जी के तट के ऊपर मैंने एक दृश्य देखा कि एक युवती बैठी हुई है, उसके पास दो मृतक पुरुष पड़े हुए हैं और वो युवती जोर जोर से रो रही है। जब मैंने उस युवती को रोते हुए देखा तो मैं उसके पास गया। उस युवती को मैंने पूछा, तुम कौन हो, ये दो पुरुष तुम्हारे पास कौन पड़े हुए हैं? वो युवती रोते हुए हाथ जोड़ करके बोली, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो कालियो गिन जर। वो युवती बोली, महाराज मेरा नाम भक्ति देवी है और ये मेरे पास दो वृद्ध पुरुष जो पड़े हुए हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। ये दोनों अचेतावस्था में पड़े हुए हैं और चारों तरफ जो देवियां बैठी हुई हैं, ये गंगा जी आदि नदियां हैं। मैं द्रविड़ देश में गई, वहां से उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में पालन पोषण हुआ, भ्रमण करते करते मैं गुजरात में आई। यहाँ लोगों को देखा तो मेरी मति भी बिगड़ गई महाराज। वहां से सोचा कि वृंदावन की तरफ चलती हूँ। मैंने वृंदावन की डगर पकड़ी। जब मैं वृंदावन आई तो वृंदावन में मैं तो युवती हो गई, परंतु मेरे दोनों पुत्र यानी ज्ञान और वैराग्य ये अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। ये तो बड़ी शर्म की बात है कि माँ युवती है, माँ युवती होने के पश्चात दोनों बेटे आज वृद्धावस्था में पड़े हैं। आखिर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने सुना है कि नारद जी को इस बात का समाधान जरूर पता होगा, इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ। अब नारद जी ने भक्ति की बात तो सुन ली, वेद के मंत्र पढ़े, वेदांत के मंत्र पढ़े, अपने कमंडल से जल लिया, छिड़क दिया, ज्ञान वैराग्य थोड़े होश में आए, लेकिन फिर बेहोश हो गए। नारद जी को चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, नारद जी को कहा, अगर तुम ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो, कोई सत्य का कार्य करो। नारद जी को ये तो पता चल गया कि मुझे सत्कार्य करना चाहिए, परंतु वो सत्कार्य कौन सा है ये नारद जी को नहीं मालूम। इस सत्य कार्य की खोज में नारद जी निकल पड़े, जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। जहां भी संत उपस्थित होते, संतों को पूछते, महाराज कौन सा सत्कर्म करें ताकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के दोनों पुत्र ठीक हो जाए। अभी तक नारद जी को अपनी शंका का समाधान नहीं मिला।
बार बार मन में एक प्रश्न आता है, आखिर करूं तो क्या करूं। इधर नारद जी ने संतों को देखा तो संतों के पास गए, संतों को प्रणाम किया। और नारद जी आज संतों को समाधान पूछ रहे हैं, कह रहे हैं इस सत्कर्म कैसे करें। तो संतों ने कहा, अगर तुम ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहते हो तो केवल एक ही उपाय है, ज्ञान वैराग्य को सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराइए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जब भी ज्ञान वैराग्य के कानों में सप्ताह श्रवण करने की विधि जाएगी, सप्ताह जाएगी, हरि का गुणानुवाद जाएगा, तो अवश्य ही ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। अब नारद जी को पता चल गया कि मुझे आयोजन करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए। अब तो महाराज नारद जी ऋषियों की आज्ञा लेकर के चले हैं, गंगा तट पर पहुंचे। गंगा तट पर पहुंच करके नारद जी ने सभी संतों को इकट्ठा किया और यहाँ सप्त दिवसीय भागवत जी का अनुष्ठान शुरू कराया। इधर सभी ऋषिगण बैठे हुए हैं। अब सभी ने सुना कि आज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने वाला है, तो ब्रह्मलोक के देवी देवतागण और जितने भी भक्ति देवी के चारों तरफ नदियां बैठी हुई थी, वो अपना रूप परिवर्तित करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आई है। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ में लेकर के आई है। भक्ति देवी भाव के साथ गाते आ रही है, हरि कीर्तन करते हुए आ रही है और गाते आ रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गाइएगा। भक्ति देवी जब आई थी तो ऐसी आई थी आपकी तरह जैसे आप गाते आ रहे हो, बड़ा शोर के साथ गाया था, बड़े भाव के साथ गाया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। Yeah.
के साथ गाते आ रही है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जय जयकार होने लगी। बोलिए श्री बाकी बिहारी लाल की जय। सप्त दिवसीय अनुष्ठान सुना, सप्त दिवसीय कथा श्रवण की। भक्ति देवी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अपनी अचेत अवस्था को छोड़ते हैं और ठाकुर जी का नाम श्रवण करने के बाद दोनों अपनी अवस्था में आते हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं, हे ऋषियों, जब भक्ति देवी ने देखा कि दोनों पुत्र ठीक हो गए तो नाचते गाते हुए वापस श्री वृंदावन धाम के लिए गई है। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भागवत कथा केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि भूत प्रेतों को भी मुक्ति प्रदान करने वाली मोक्षदायिनी कथा है। एक प्राचीन कथा आती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इतिहास कहता है कि पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर सा नगर बसा हुआ था। वहां पर सभी लोगों का अपना अपना जो भी नित्य प्रतिदिन की क्रियाएं होती थी उसको करते और श्री हरि का नाम रटते थे। उसी नगर के अंदर एक आत्मदेव ब्राह्मण रहा करते थे। कुछ संतों का मत है कि आत्मदेव ब्राह्मण साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी थे, तपस्वी थे, सभी सदगुण थे, लेकिन कहते हैं हर तरीके से संपन्न होने के बाद आत्मदेव के घर में कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। धुंधली देवी अपने पति के बिल्कुल ऑपोजिट चलती थी, यानी वो कहते तुम्हें दाएं चलना है तो वो, कुछ माताएं होती है, कुछ मैयाएं होती है जो अपने स्वामी की एक भी बात नहीं मानती, वैसी धुंधली देवी थी। अब धुंधली देवी तो भगवान का बिल्कुल भजन नहीं करती और आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का 24 आवर भजन करते रहते। अब जब देखा कि हमारी धर्म पत्नी तो भजन नहीं करती, ऐसे कैसे नहीं आ पार हो गई। और जैसे धुंधली देवी थी वैसे एक मैया थी, कलियों की मैया थी, तो कोई अपने स्वामी की बात नहीं मानती थी। अब स्वामी बड़े परेशान रहते, कैसे करें, धर्म पत्नी बात नहीं मानती। तो अपने एक मित्र के पास गए, अपने एक मित्र के पास गया और बोला, भैया क्या करूं, मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। तो वो बोला, भैया तू एक काम किया कर, तू अपनी पत्नी को उल्टा बोला कर। अब जब तू उल्टा बोलेगा तो सीधा चले, क्या पता ऐसा फॉर्मूला काम कर जाए। तो बोला, बात तो ठीक है। बोले, आज घर जाके ट्राई मारते हैं। तो बेचारा घर गया तो अपनी पत्नी को बोला, अरे सुनना मत, मेरी कोई बात सुनना मत, आज मैं बिल्कुल भी हारा थका नहीं हूं, ना मुझे चाय चाहिए ना पानी की आवश्यकता। तो दौड़ी दौड़ी आई, अरे बोले नहीं नहीं, ऐसी बात क्यों कर रहे हो, आप बहुत दूर से आए हो, थके हारे हो, और जब भी व्यक्ति बाहर से आता है तो ऑब्वियसली थका हुआ होता है। बोले, आपके लिए मैं चाय पानी की व्यवस्था करती हूँ। तो बेचारा बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला, लगता है उसने सही बोला था। अब एक दिन क्या हुआ कि अपनी, अब उसको पता तो चल गया कि जब मैं उसको उल्टा बोलूंगा तब ये सीधी चलेगी। अब एक रोज उसके पिताजी का पिंडदान होना था तो अपनी पत्नी को जाके बोला, अरे आज हम गंगा जी नहीं जाएंगे, हमें पिताजी का पिंडदान कुछ नहीं करना, हम एक काम करते हैं, यही नाले वाले में डाल देते हैं और यहीं से सोच लेंगे कि गंगा जी नहा लिए। अब बोली, अजी ऐसे कैसे, देखो हमारे ससुर जी थे और आपके पिताजी थे तो गंगा जी जाना तो बनता है, पिंडदान करके आएंगे, गंगा जी नहा के आएंगे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब विचार करता कि अगर सीधा बोलता तो शायद बात नहीं मानती।
अब दोनों तैयार होके अच्छे से और कहाँ चल दिए? गंगा जी। अब दोनों घाट पे पहुंच गए और घाट पे पहुंच के स्नान करने लगे। अब ठाकुर जी की कृपा से उस समय बारिश भी ज्यादा हो गई तो गंगा मैया के अंदर जल ज्यादा हो गया। अब बिचारी गंगा मैया में जैसे ही डुबकी लगाने को जा रही है तो उसका पति तो पहले ही बड़ा परेशान था, कब तक उल्टा बोलेगा। तो वो कहता, अरे सुन रही हो, देखो गंगा जी में बहुत ज्यादा पानी है और गंगा मैया में अंदर तो चली मत जाना, अगर अंदर चली गई तो डूब जाओगे। अब उसको सीधी बातें कहां समझ में आती थी, बोले अजी मैं कोई डरती थोड़ी हूं, मैं भी देखू मैं कैसे डूबती हूँ, मैं तो अंदर ही जाके नहाऊंगी। अब बिचारी अंदर गई तो गंगा मैया में जब भी स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पे रस्सियां पड़ी रहती है ना, रस्सी पकड़ के तो पकड़ लिया, रस्सी पकड़ के जैसे गोता लगा रही है उसको तो छुटकारा पाना है। बोला देखो छोड़ मत देना, अगर तुमने ये रस्सी छोड़ी और तुम डूबी। बोलिया जी ऐसे कैसे डूब जाएंगे, अब पति की बात नहीं मानी सो रस्सी छोड़ी और गंगा जी में। अब जैसे ही गंगा जी में डूबी तो आवाज लगा रही, अरे भैया कोई बचाओ कोई बचाओ। तो ठाकुर जी की कृपा से गंगा मैया के अंदर एक गैया मैया स्नान कर रही थी और जैसे ही डूबते डूबते जा रही है सो गैया मैया की पूछ पकड़ ली। अब उसको लगा कि लगता है अभी भी बच सकती है, तो वो बोला अरे सुनो गैया मैया की पूछ मत छोड़ना वरना डूब जाओगी। बोले जी ऐसे कैसे डूब जाएंगे सो गंगा गैया मैया की पूछ। अब बेचारी पानी में बह गई। अब जितने भी लोग वहां घाट पे स्नान कर रहे थे सबने देखा भैया तेरी धर्म पत्नी इधर डूब के जा रही है, तो सभी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं लेकिन बेचारा वो उल्टा जा रहा है। अब सारे लोग तो इधर जाए वो बेचारा उल्टा जा रहे हैं। अब सब पूछ रहे भैया उल्टा क्यों जा रहे हैं। बोले भैया आपको नहीं मालूम जब वो मेरे साथ थी तब भी उल्टी चलती थी, तो अब भी बह के भी किधर जा रही होगी, उल्टी जा रही होगी। तो वैसे ही धुंधली देवी थी, अपने पति की कोई बात नहीं मानती। स्वामी कहते कि भगवान का भजन करो, बोले अरे नहीं नहीं भजन से कुछ होना जाना नहीं। आत्मदेव ब्राह्मण उनको समझा रहे हैं, देखो भगवान की थोड़ी सी पूजा कर लिया करो, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को सिर्फ भक्त का भाव चाहिए। संतों ने गाया है कि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा। भगवान कहते हैं मुझे छलावट वाली भावना नहीं पसंद, भगवान को बनावटी प्रेम नहीं पसंद। आप भगवान के लिए 56 प्रकार के भोजन ले जा रहे हो और उसमें भाव नहीं है तो क्या भगवान उसको ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं भगवान को कैसा भाव पसंद है कि निर्मल मन जने सो मोही पावा, मोहे कपट छल छेद ना भावा। सिया राम जय जय राम। ओ निर्मल मन जने
पावा मोहे कपड़े चले छिद्र न भावा। भगवान को बनावटी प्रेम नहीं है। आप ऊपर से तो बोल रहे हो राम राम भैया, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, और मन में आपके चल रहे भैया हमारी गली में आना तुम्हें बता देंगे। तो क्या ऐसी भाव, ऐसी श्रद्धा, ऐसी इच्छा, ऐसा मन में भाव आना क्या ईश्वर को और आपको ठाकुर जी के करीब लेके जाएगा? कभी नहीं लेके जाएगा। आज उन्हें ब्राह्मण के मन में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, लेकिन उनके ऑपोजिट है उनके धर्म पत्नी। आत्मदेव ब्राह्मण के घर के अंदर कोई पुत्र नहीं है, एक तुलसी माता है वो भी हरी भरी नहीं रहती, एक गैया मैया है वो भी बांझ है। आत्मदेव ब्राह्मण ने एक रोज मन में विचार किया कि मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सरोवर के किनारे पहुंच गए, सरोवर के किनारे पहुंचे और जैसे ही सरोवर में कूदने वाले थे, संत सामने से आते हैं, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले महाराज घर में कोई संतान नहीं है। संतों ने समझाया भैया संतान हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है, अरे ठाकुर जी को अपनी संतान मान लो बेड़ा पार हो जाएगा। बोले नहीं महाराज, संसार के लोग कहते हैं कि जिस घर में संतान नहीं होती वो वंश बेल कभी आगे नहीं बढ़ सकती, इसीलिए एक पुत्र तो होना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय कोमल होता है, भाव आया। संत ने एक फल दिया, कहा बेटा ये अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। अब उस फल को लेके आए अपनी धर्म पत्नी को, बोले इस फल को खा लेना, हमारे यहाँ पे पुत्र हो। धुंधली देवी फल को लेके बैठी, विचार कर रही है इसको खाऊं या ना खाऊं। अब उसकी एक बहन थी, बहन आगे बोले कैसे विचार कर रही हो, कैसे असमंजस में हो। बोली बहन क्या बताऊं, मेरे स्वामी ने फल दिया है और अगर मैं गर्भ धारण करूंगी तो 9 महीने तक पीड़ा होगी और मैं उस पीड़ा को सहन नहीं कर सकती। उसकी बहन बोली अरे कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, अपने स्वामी के सामने नाटक करते रहना और मैंने गर्भ धारण किया हुआ है, 9 महीने पश्चात मैं अपने पुत्र को तुम्हें दे दूंगी और परीक्षा हेतु इस फल को तुम गैया मैया को खिला दो। बोले सही बात। अब इस तरह से अपनी बहन, अपनी उस बहन की बात मानी और परीक्षा हेतु गैया मैया को वो फल दे दिया और खुद अपने स्वामी के सामने नाटक करने लगी। आत्मदेव ब्राह्मण को तो ये था कि हमारी पत्नी को पुत्र होने वाला है तो घर में एक कुल दीपक आ जाएगा, कुल को रोशन करने वाला चिराग आ जाएगा। आत्मदेव ब्राह्मण तो नित्य प्रतिदिन हरि का सत्संग करते, हरि भजन करते, उन्हें कोई मतलब नहीं। 9 महीने तक धुंधली देवी ऐसे ही नाटक करती रही। 9 महीने के बाद धुंधली देवी की बहन ने अपने संतान यानी संतान के रूप में जो पुत्र प्राप्त हुआ धुंधली देवी को दे दिया और धुंधली देवी ने अपने स्वामी आत्मदेव को कहा महाराज हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। आत्मदेव ने जैसे ही सुना, आत्मदेव महाराज प्रसन्न हो गए और मिठाइयां बांटने लगे, हरि जी का शुक्रिया करने लगे और उस संत का धन्यवाद करने लगे जिसकी कृपा से आज पुत्र हुआ। इधर आत्मदेव महाराज कहने लगे हमारे यहाँ पुत्र हुआ है तो हमारा नाम है आत्मदेव और हम अपने पुत्र का नाम रखेंगे परमात्मदेव। अब जब भी किसी मैया के घर में चलती हो तो वो अपनी के आगे थोड़ा ना चलने देगी। तो धुंधली देवी कहती है बोले महाराज 9 महीने तक कष्ट हमने सहे और पुत्र को जन्म हमने दिया, नाम आप क्यों रखोगे? नाम हम रखेंगे। अपना नाम धुंधली देवी और पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। और जिस गैया मैया को फल खिलाया था 3 महीने पश्चात उस गैया मैया को एक पुत्र प्राप्त हुआ है। उसके कान तो गौ जैसे हैं और संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा और उसका नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण भगवान के भजन करते, श्री ठाकुर जी का भजन करते और जो धुंधकारी था वो चोरियां करता, डकैतियां डालता, वैश्याओं का संग करता, चोरी कर कर के धर्मान लाता, वैश्याओं को लुटाता। एक रोज आत्मदेव ब्राह्मण की आंखों से आंसू टपकने लगे,
विचार करते एक रोज संत ने कहा था कि आवश्यक ही नहीं कि इस कुल को पुत्र ही चलाए, इससे अच्छा तो हम बिहारी जी को अपना पुत्र मान लेते, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। गोकर्ण महाराज आए, अपने पिताजी को समझा रहे, अरे पिताजी जगत में कोई किसी का बेटा नहीं, ये सब जीके जी के रिश्ते एक मोह के धागे से बंधे हुए हैं, त्याग दीजिए। गोकर्ण महाराज ने इतना आत्मदेव जी को समझाया, आत्म उपदेश दिया, और उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण ने अपना सब कुछ त्याग दिया और जंगल की तरफ निकल गए। इधर गोकर्ण महाराज श्री ठाकुर जी का भजन करते, एक रोज धुंधकारी कुछ वेश्याओं के साथ अपने घर आता है, अपनी माँ को पीटता है और माँ को कहता है कि जितने भी जेवर तुम्हारे पास है वो हम दो वेश्याओं को लुटाएंगे। मैया ने देखा कि इससे तो मुझे संतान, इससे तो मैं अपनी इस बहन के पुत्र को ना लेती तो शायद मुझे इस तरह से रोना नहीं पड़ता। इस तरह धुंधकारी की मां धुंधली का भी अंत हो गया। आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर निकल गए, बचे गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा की ओर निकल गए। अब तो धुंधकारी अकेला बचा और वेश्याओं का संग करता, चोरियां करता, अपने मस्तिष्क पर काली पट्टी बांधता, हाथ में तलवार लेता और जो भी लोग रास्ते में मिलते सबको मार देता। अब तो हाहाकार मच गई नगर के अंदर। एक रोज वेश्याओं ने देखा कि आज ये धुंधकारी हमारे लिए औरों को मृत्यु प्रदान कर रहा है, कभी ऐसा ना हो कि हमें इसकी कोई बात नहीं मानी और ये हमें ही मार डाले। रात्रि के समय वेश्याएं इकट्ठी हुई, धुंधकारी के मुख में बहुत सारे गरम कोयले डाले, गले में एक फांसी का फंदा डाला और एक कुएं में लटका दिया, सो धुंधकारी के प्राणों का अंत हो गया। क्योंकि जीवन में कोई सत्कार्य नहीं किया सो धुंधकारी एक प्रेत बन गया। उधर तीर्थ यात्रा में गए हुए गोकर्ण महाराज को पता चला कि हमारे भाई की मृत्यु हो गई, तो गया में आज श्राद्ध किया है धुंधकारी के नाम का, और उसके पश्चात जिस घर में गोकर्ण महाराज पले बढ़े और जिस घर में अपने माँ पिता के साथ रहे वहां आते हैं। वहां आकर के देखा तो धुंधकारी प्रेत के रूप में आता है, कभी कुत्ता बनता कभी कुछ बनता। अपने कमंडल में से गोकर्ण महाराज ने जल लिया, छींटे लगाए और पूछा, भैया कौन हो? धुंधकारी कहता है, भैया हम आपके ही छोटे भाई हैं। गोकर्ण महाराज कहने लगे, अरे धुंधकारी क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? हमने तो गया में तुम्हारे नाम का श्राद्ध भी किया। धुंधकारी कहने लगा, भैया चाहे हमारे नाम का एक नहीं 100 बार श्राद्ध कर लो, क्योंकि हमने जीवन में कार्य ही ऐसे किए थे तो हमें मुक्ति कैसे मिलती। हाथ जोड़ करके आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए ताकि हमारी मुक्ति हो सके। गोकर्ण महाराज कहने लगे कि प्रातः होते ही आपके मुक्ति का उपाय जरूर पूछा जाएगा। प्रातः काल हुए, सूर्य देव को प्रणाम किया। सूर्य देव ने कहा, अगर सप्त दिवसीय भागवत जी का श्रवण कराओगे तो धुंधकारी की मुक्ति अवश्य हो जाएगी। आज गोकर्ण महाराज के माध्यम से अनुष्ठान हुआ, एक 7 पोरियों का बांस गाड़ा गया, भागवत जी को विराजमान किया, क्योंकि आज धुंधकारी एक प्रेत बना हुआ है तो किसी एक जगह पर आकर तो बैठ नहीं सकता, हवा उड़ा ले जाए, तो जो 7 पोरियों का बांस गाड़ा हुआ था उसमें आकर के बैठ गया। पहले दिन की कथा, विश्राम हुई तो पहले दिन पहले बांस की पोरी चटकी, दूसरे दिन दूसरे बांस की पोरी चटकी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठी और सातवें दिन पूरा बांस चटक गया। और यही प्रेत आज एक देवता जैसा शरीर धारण करके गौलोक से ठाकुर जी का विमान आता है और गोकर्ण को विमान में बिठा करके ले जाता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितने अन्य लोग थे उन्होंने प्रश्न किया, महाराज
धुंधकारी की तो सदगति हो गई, लेकिन हम सभी ने भी सप्त दिवसीय भागवत जी का श्रवण किया, लेकिन हमको मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो क्योंकि गोकर्ण महाराज कहते हैं, भैया इधर सूत जी महाराज ऋषियों को कह रहे हैं कि धुंधकारी जब उस बांस के अंदर बैठा था तो जो कथा श्रवण करता था उसका चिंतन करता रहता था, और अन्य लोग सिर्फ भागवत जब तक सुनते थे तब तक वो चीजें दिमाग में रहती, अन्यथा घर जाने के पश्चात अपनी प्रक्रिया में लग जाते, अपनी क्रियाओं में लग जाते। तो इसीलिए संतों ने कहा है कि जब भी कथा श्रवण करें तो कथा में मन और तन दोनों कथा में होनी चाहिए। इस तरह श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि ये भागवत कथा केवल मनुष्यों को ही नहीं, मनुष्यों के लिए मोक्षदायिनी ही नहीं है, बल्कि प्रेतों को भी मुक्ति प्रदान करती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। क्योंकि आज भागवत जी का प्रथम दिन था, और प्रथम दिन थोड़ा आने में भी समय लगा, और कल से जो कथा का समय होगा वो एक से और चार बजे तक होगा। तो सभी भक्तों से यहाँ से व्यासपीठ की ओर से निवेदन है कि एक बजे आप कथा पंडाल में आ जाएं, और चार बजे ठीक विश्राम कर दिया करेंगे। और जितनी भी माताएं कथा श्रवण करने आती हैं उनको एक सूचना और कि आप खाली हाथ कथा में ना आया करें, आप कुछ नहीं ला सकते तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर अपने साथ लाया करें, ताकि जब भी आप भागवत कथा श्रवण करके जाएंगी तो यहाँ से जो वितरण होगा वही प्रसाद सभी भक्तों को वितरण होगा। तो खाली हाथ कोई भी ना आए, थोड़ा थोड़ा प्रसाद सभी माताएं लेकर के आए। और एक और सूचना कि दूसरा, जब भी आरती हो तो मैं ये नहीं कहती कि आप ज्यादा पैसा लेके आए, चाहे एक रुपया लेके आए या पुष्प लेके आए, एक एक पुष्प अपने हाथ में ले आए, क्योंकि आरती कभी भी हम खाली नहीं लेते। तो आरती के लिए आप सभी एक एक पुष्प अपने हाथों में जरूर लाएं। और जितनी भी माताएं हैं आपके घरों में, सबसे ज्यादा कोशिश करें कि आपके घरों में जो बेटियां हैं और जो भी बाल गोपाल हैं, यानी जो भी बच्चे हैं, कथा में ज्यादा कोशिश करें कि बच्चों को ज्यादा लेके आए, ताकि इस कथा के माध्यम से एक मैसेज उनके माइंड तक ड्रॉप हो और वो भी भगवान के चरणों में भगवान की आराधना करने लगे, भगवान के प्रति उनका लगन हो। तो आइए इस तरह से आज की भागवत को, आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे, और कल आप सभी को समय बताया है तो समय से आप सभी कथा पांडाल में विराजमान हो जाइएगा। आइएगा एक छोटा सा कीर्तन के साथ हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे, भाव के साथ कीर्तन करते हुए चलेंगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। राधा रानी सरकार की जय। की सवरिया ऐसी तान सुना, कैसी तान प्रभु जी, ऐसी तान सुना दे मेरे मोहन। ओ सवरिया ऐसी तान सुना, कि ऐसी तान सुना दे सवरिया, मैं नाचूं सुना। आइएगा क्योंकि कीर्तन है, तो कीर्तन में अपनी जिह्वा को पवित्र करते हो, गाइएगा। सवरिया ऐसी तान सुना, सवरिया ऐसी तान सुना, ऐसी तान सुना दे सावरे, ऐसी तान सुना दे सावरे, ओ ऐसी तान सुना दे सावरे, ऐसी तान सुना दे सावरे, ओ मैं नाचूं तू गा सवरिया, ऐसी तान सुना सवरिया, ऐसी तान सुना।
धार बहे तन मन में, रस की धार बहे तन मन में, ओ अनुप्रम प्रेम जगे जीवन में, ओ अनुप्रम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, अनुपम प्रेम जगे जीवन में, तेरी याद ना बिसरे एक पल, तेरी याद सवरिया।
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्बांके बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा बल्लभ सरकार की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय